आपको बता दें कि बेमेतरा जिले के दीवर बिजा में नवीन शासकीय महाविद्यालय की मांग थी, जिसका शुभारंभ शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे के साथ क्षेत्र विधायक आशीष छापरा, कार्यकर्ता सहित हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। लोकार्पण के दौरान अर्पा पैरी की गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं इस दौरान मंत्री रविंद्र चौबे ने भाजपा को कटाक्ष करते हुए धान के बोनस की खरीदी में बताया है और बताया कि FCI नान खरीदी करता है, जिसकी बखान केंद्र कर रहा है। सभा को संबोधित करते हुए भूपेश सरकार के योजनाओं का बखान भी किया गया। साथ ही विधायक आशीष झापरा ने देवर बीजा पंचायत के लिए मांगे गए 2 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यों का घोषणा भी किया। किसानों के लिए आने वाले समय में धान की खरीदी के लिए शासक द्वारा बोरी खरीद की जाएगी, वहीं किसानों को बोरा खरीदना नहीं पड़ेगा। महाविद्यालय का भव्य उद्घाटन समारोह आदरणीय आशीष छाबड़ा जी के नेतृत्व में हुआ। भव्य कार्यक्रम में पूरा अंचल के किसानों की उपस्थिति थी। मुझे बहुत खुशी है, दुर्बीजा के विकास का कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया था यहाँ के स्कूल अस्पताल से लेकर के, और आज उस कार्यक्रम को माननीय आशीष छाबड़ा जी तीव्र गति से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उनको हृदय से बधाई देता हूँ। जनता से भी हमने आह्वान किया, वो सरकार जो जनता के लिए काम करती है, किसानों के लिए काम करती है, गरीबों के लिए काम करती है, आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में हमने आह्वान किया है। एक देश को धोखा देने वाली सरकार है, जनता को धोखा देने वाली सरकार है, और दूसरा हमारे गरीबों का काम करने वाली सरकार।